मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद बुधवार को उन्हें जेल भेज दिया गया है। जेल पहुंचते ही पूजा सिंघल को अन्य कैदियों की तरह नंबर अलॉट कर दिया गया है। उन्हें 1187 नंबर अलॉट किया गया है, अर्थात जेल में अब वह कैदी नंबर 1187 के नाम से जानी जाएंगी। हालांकि टेक्निकल भाषा में अभी उन्हें सिर्फ बंदी ही माना जाएगा। सजा सुनाए जाने के बाद ही किसी बंदी को कैदी माना जाता है, इस लिहाज से उन्हें जो नंबर अलॉट किया गया है उसे तकनीकी भाषा में बंदी नंबर ही कहा जाएगा। ईडी की अधिवक्ता बीएमपी सिंह ने बताया कि कोर्ट से अनुमति लेकर ईडी की टीम पूजा सिंघल से जेल में भी पूछताछ कर सकती है। उन्होंने बताया कि 14 दिनों की रिमांड अवधि पूरा होने के बाद ईडी की टीम पूजा सिंघल को कोर्ट में पेश किया जाएगा और न्यायिक हिरासत में भेजने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार भी कर लिया है। फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।